राज्योत्सव के आज तीसरा दिन और आज के माई पहुना है हमारे विधानसभा के अध्यक्ष डॉक्टर चरणदास महन जी, आदरणीय ताम्रध्वज साहू जी, आदरणीय रविंद्र चौबे जी, डॉक्टर प्रेम साय सिंह जी, मोहम्मद अकबर जी, गुरु रुद्र कुमार जी, अमरजीत भगत जी और माई पहुना के संग में हमार बाव थी माई आरुख भाऊ जी ज्योत्सना महंत भी आए है। उनका सम्मान में एक बार जोरदार ताली आप सब बजाओ। हमार सांसद कोरबा के और भौजी कहा था थोड़ी दिन खड़ा होके अभिवादन कर रहा। आदरणीय शारदा वर्मा जी, आरपी मंडल साहब, सी के खेतान जी, राकेश चतुर्वेदी जी, मनोज पिंगुआ जी, सिद्धार्थ कोमल परदेसी जी, अनिल साहू जी, अरुण प्रसाद जी और यहाँ के कलेक्टर और एसपी और सब अधिकारी मन, साथ ही अनिता योगेंद्र शर्मा जी, गुलाब कमरो जी, मोहित करकेट्टा जी, गुरमुख सिंह होरा जी, हमार जसपुर के विधायक भी आए, इंद्र साहब मंडावी हमार विधायक साथी, और कौन है सोरी जी भी है कांकेर के, अनिला भाभी और अनिला भाभी के साथ में भैया भी आए है। तो सबो उपस्थित हमारे अतिथि मन, साथ ही व्यवस्था से जुड़े सबो अधिकारी कर्मचारी मन उपस्थित, सब सियान मन, दीदी बहनी मन, नौजवान साथी मन, लड़का मन और सब कलाकार मन हमारे प्रदेश के कोना कोना से आए है और साथ ही सब पत्रकार साथी मन। राज्योत्सव के तीसरा दिन कल राज्यपाल महोदय आए रही से यहाँ के स्टाइल देखिस, यहाँ के व्यवस्था देखिस, तो एक बात जरूर कहिस कि प्रगति मैदान में जैसे मेला लगते वो इसने रायपुर में तक लगे है। एकर बार में सबो विभाग के मंत्री मल्ला और अधिकारी मल्ला सब लमें बधाई देना चाहता हूँ और जैसे जैसे समय बीता जा थे वो इसने लोगन मन के संख्या भी बढ़ा जा थी। परसों भी बहुत जबरदस्त भीड़ रही से लेकिन कल के भीड़ ओकर से ज्यादा रही से और अभी मैं देखा था तो केवल मुड़ी चुड़ी दिखा थे, आदमी च आदमी दिखा थे। मैदान में भी है, पंडाल में भी है और सड़क में भी है। तो जबरदस्त उत्साह लोगन मन में है और एक से थी राज्यपाल महोदय के इस कि तीन दिन में मत ये समाप्त करवा, इला दो दिन और बढ़ा दिया जाए। तो कल मैं घोषणा करें ये पंडाल स्टाल और सांस्कृतिक कार्यक्रम अभी दो दिन और चल ही, जिनमें अभी आज तो समापन कार्यक्रम है ओकर माई पहुना आदरणीय हमारे विधानसभा का अध्यक्ष है, कल से मंची कार्यक्रम समाप्त हो जाए और जतेक भी मंत्री और अधिकारी विधायक मन सब आई तीन खाले में बैठी और ये जिन कार्यक्रम हो थे वो एक मुख्य मंच में सांस्कृतिक कार्यक्रम हो ही। जब संस्कृति के बाद हमारे संस्कृति मंत्री करत रही से कहा कि हमारे छत्तीसगढ़ 5000 साल पुराना हमारे नाट्यशाला है छत्तीसगढ़ में, एकर से बात सिद्ध होते कला और संस्कृति हमारे छत्तीसगढ़ में पहली से ही बहुत ऊंचाई में पहुंच गिरी से
आवाज जिन गांव के कलाकार मन है ते मन वो ध्वजवाहक बन के छत्तीसगढ़ के संस्कृति ला ओकर छटा बिखेरे के काम हिंदुस्तान में और हिंदुस्तान के बाहर देश विदेश और दुनिया में करत है ओकर उमन ला मैं बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामना देता हूँ। चाहे वो पंडवानी के माध्यम से हो, चाहे वो पंथी के माध्यम से हो, चाहे हमारे छत्तीसगढ़ के कवि मन के माध्यम से हो, पूरा दुनिया में छत्तीसगढ़ के नाम रोशन करा थे, मतलब बहुत बधाई शुभकामना देता हूं। छत्तीसगढ़ में हमारे जिन छत्तीसगढ़ मातारी के जिन वंदना गीत है डॉक्टर नरेंद्र देव वर्मा के रचित अरपा पैरी के धार महानदी है अपार, बिना काकरो कहे या शासन के कोई सहयोग से ही गांव गांव वो गीत मन बजत है। जिन समय एकर शुरुआत हुई वो समय जतका लोकप्रिय से आज ओकर से ज्यादा ओकर लोकप्रियता बढ़ चुके हैं। ये मंच के माध्यम से मैं घोषणा कर रहा था कि डॉक्टर नरेंद्र देव वर्मा द्वारा रचित अरपा पैरी के धार राजगीत के रूप में शासन एक स्वीकृति प्रदान कर रहे थे। अब जब भी कोई शासकीय कार्यक्रम हो ही राजगीत के रूप में वो गीत लगाया जाए बजाया जाए कि जय जय। तो आप सब लोग बहुत बधाई, आपके जिन करतल ध्वनि है और छत्तीसगढ़ महतारी के जयकारा से आप सब हमारे जिन शासन के फैसला आप मुहर लगाए थे कर बार आप सब लोग हृदय से धन्यवाद देता हूं। हमारे छत्तीसगढ़ धान के कटोरा है और धान के कटोरा सम्मान दे काम ल हमारे सरकार करीस। पिछले साल हम 2500 रुपया क्विंटल में धान खरीदेन, ऋण माफी भी करें, बिजली बिल मुफ्त में देन, 400 यूनिट तक के घरेलू उपभोक्ता मल्ल बिजली बिल आधा देन, 35 किलो चावल हर परिवार ल देख फैसला, एकर से छत्तीसगढ़ में खुशहाली और समृद्धि आ है। आज कोई परिवार दुखी नहीं है, सब घर ये साल दीपावली में आन साल के अपेक्षा ये बहुत ज्यादा खुशहाली सब जन मनाए हैं। हम ये हमार मंत्रिमंडल अभी पिछले दिन मीटिंग हुई से हम फैसला करें कि हमार सरकार 2500 रुपया क्विंटल में धान खरीदी। लेकिन आप सब मालूम है केंद्र सरकार 2014 में एक आदेश जारी करीस कि जैन भी राज्य सरकार यदि अनाज में बोनस दी धान में बोनस दी तो प्रदेश से सेंट्रल पूल में एफसीआई के माध्यम से चावल नहीं खरीदे जाए। लेकिन पिछले 2 साल से आप लोग याद है एक पहली 300 रुपया बोनस मिले रही से और पिछले साल 2500 रुपया में हम धान खरीदी करे रहे। यही बात के निवेदन अभी पिछले दिन हमारे खाद्य मंत्री है आदरणीय पासवान जी होकर कर जाके हमन कहें कि जब 2 साल तक के आप छूट दे हो नियम में शिथिल करे हो तो यही साल भी शिथिल करो। अरे मामला में मैं प्रधानमंत्री भी चिट्ठी लिखे और उकर से मिले बार मैं समय मांगे हूं। मैं आप सब से निवेदन करना चाहता हूं कि आप सब प्रधानमंत्री ला एक चिट्ठी लिखाओ कि छत्तीसगढ़ में 2500 रुपये क्विंटल में धान खरीदे के कारण से छत्तीसगढ़ में खुशहाली है, किसान मन के क्रय शक्ति बढ़े और उसके कारण से मंदी के कोई असर छत्तीसगढ़ में नहीं है। पहली बार छत्तीसगढ़ के किसान ऋण से उऋण हो है और 4 पैसा उकर घर में है। उकर से आप सब से निवेदन है कि आप सब एक चिट्ठी प्रधानमंत्री के नाम से हर किसान लिखे, हर व्यापारी भी लिखे, काबर के किसान कर पैसा रहे तो व्यापारी मन के व्यापार भी खूब चमके है। तो सब जन जतका छत्तीसगढ़िया भाई बहनी मनाओ
सबसे निवेदन कि एक चिट्ठी प्रधानमंत्री के नाम से लिखाओ और वो सब चिट्ठी ला 12 तारीख तक के रायपुर राजधानी में पहुंचाओ और 13 तारीख के सब साथी मिलके यहां से वो चिट्ठी धर के पूरा छत्तीसगढ़ से लिखी तो एक 8 ट्रक हो जाए, वो ट्रक में भर के चिट्ठी धर के दिल्ली जाबो, प्रधानमंत्री सौंपो और वो सड़क मार्ग से हम सब चलबो। यही आप सब से निवेदन करते हुए जाबर तैयार हो, जाबर तैयार है, जब हाथ उठाओ सब तैयार हो। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।